क्वेश्चन नंबर 124 श्री रमेश चंद माजी। सर क्वेश्चन नंबर 124। माननीय मंत्री जी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। तो सर माननीय मंत्री जी ने बोले हैं तो भारत में 237 जो एकेडमी है एक्रीडिटेड एकेडमी है उसमें 8 एकेडमी उड़ीसा में है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर चुके हैं। आपको पता होगा 2018 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हो चुका है। अब भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल भी बोलते हैं और भारत के उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो नेशनल एक टीम को स्पॉन्सर कर रहा है और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है एक वेन्यू बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम राउरकेला में होगा। इसमें 120 करोड़ उड़ीसा गवर्नमेंट कर रहे हैं काम कर रहे हैं 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है माननीय मंत्री को कि खेलो इंडिया में कितने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और उड़ीसा के कितना खिलाड़ी इस बारे में उनको मिला है। धन्यवाद स्पीकर महोदय। अध्यक्ष महोदय पहले तो मैं सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत का जो प्रदर्शन रहा है और विशेष रूप से ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का जो प्रदर्शन रहा है उसमें भारत का झंडा को और ऊंचा लहराया है भारतीय दल ने और जिस राज्य ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया उसमें ओडिशा भी ऐसा राज्य है जिनका हॉकी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मैं उड़ीसा सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। महोदय माननीय सांसद जी को मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 2964 एथलीट को खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जा रही है और इसमें ओडिशा के कुल 56 एथलीट्स हैं जिसमें 39 महिलाएं और 17 पुरुष एथलीट्स हैं। इन सभी खिलाड़ियों को हर महीने ₹10,000 स्कॉलरशिप के रूप से दिया जाते हैं। मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री है खेलो इंडिया के तहत उड़ीसा के लिए कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य जी को सूचना के लिए ये बताना चाहूंगा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत उड़ीसा में खेल के विकास के लिए अब तक 28 करोड़ की लागत वाले 4 प्रोजेक्ट स्वीकृत की जा चुके हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज इंडोर हॉल एट कलिंगा स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर 8 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल एट पुरी 7.5 करोड़, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बौद्ध 5 करोड़ और कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज हॉल एट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बुरला 7.5 करोड़। इनमें से स्विमिंग पूल वाला जो काम है ये पूरा हो चुका है, बाकी 3 प्रोजेक्ट का ऊपर भी काफी जो है काम हो चुका है और सारे जो प्रोजेक्ट है बहुत जल्द ही पूरा जाने का हम उम्मीद करते हैं।